मंगेश यादव एनकाउंटर पर क्यों उठ रहे सवाल, यूपीएस टिप पर खड़े हुए कई बड़े सवाल, जाने एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। यूपी के सुल्तानपुर में हुए मंगेश एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और तो सवाल राजनीतिक दलों के साथ साथ मंगेश यादव के परिवार की तरफ से भी खड़े किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन्हें देखने के बाद इस एनकाउंटर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बता दें आपको, मंगेश यादव एनकाउंटर पर सबसे पहले सवाल यूपी एसटीएफ की 11 सदस्य टीम पर है, जिसमें एक डिप्टी एसपी के साही, दो इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह और महावीर सिंह, दो सब इंस्पेक्टर अतुल चतुर्वेदी और प्रदीप सिंह, तीन हेड कांस्टेबल सुशील सिंह, राम निवास शुक्ला और नीरज पांडे और तीन कांस्टेबल अमित त्रिपाठी, ब्रजेश बहादुर सिंह, अमर श्रीवास्तव मुख्य तौर पर शामिल थे। मंगेश यादव एनकाउंटर में डिप्टी एसपी डीके साई की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर की शुरुआती कुछ लाइन पढ़िए। इसके मुताबिक, मंगेश को बेहद खतरनाक अपराधी मानते हुए यूपी एसटीएफ की टीम बहुत एहतियात बरतती है। ट्रेनिंग के दौरान जो भी सिखाया गया उन सभी नियमों का पालन करती है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है, हथियार लेती है और फिर बाइक से आ रहे 1 लाख के नामी लुटेरे मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराती है। लेकिन एनकाउंटर के घटनास्थल की तस्वीरों को देखें तो उसमें एसटीएफ की टीम को लीड करने वाली डिप्टी एसपी डीके शाही और उनके तीन खास साथी चप्पल में नजर आते हैं। सबसे पहले डीके साई चप्पल पहने खड़े हैं, उनके बगल में हेड कांस्टेबल राम निवास शुक्ला और फिर जौनपुर एसओजी से एसटीएफ में आए हेड कांस्टेबल सुशील सिंह और नीरज पांडे खड़े हैं। अब एसटीएफ की एफआईआर में एक और लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लिखा है कि मंगेश जैसे लुटेरे को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है। एफआईआर में एसटीएफ टीम बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनती है, लेकिन मैदान में बुलेट प्रूफ जैकेट का नामो निशान गायब हो जाता है। एनकाउंटर करने वाली 11 सदस्य टीम में किसी के ना हाथ में ना शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट दिखाई देती है। तो क्या यूपी एसटीएफ बिकरू कांड में हुई लापरवाही को भूल गई, या फिर इस एनकाउंटर में बदमाश की तरफ से गोली ना चलाने का पहले से ही उन्हें भरोसा था। अब बात मंगेश यादव पर दर्ज मुकदमों की करें तो मंगेश यादव पर सुल्तानपुर लूट कांड समेत 8 मुकदमे दर्ज थे। सभी मुकदमे वाहन चोरी और लूट के थे और इसमें एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का था। मंगेश को पुलिस ने 2 बार गिरफ्तार भी किया, 1 बार सुल्तानपुर से और 1 बार जौनपुर से, लेकिन मंगेश ने कभी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए ना कभी गोली चलाई, ना ही किसी को चाकू मारा और ना ही पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से कोई असलाह बरामद किया। लेकिन एनकाउंटर के वक्त पुलिस और यूपी एसटीएफ दावा करती है कि मंगेश यादव के पास 1 नहीं 2 असलहे थे। ऐसे में इस एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और यूपी एसटीएफ पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मामला बड़े, जाँच हो और फिर विपक्ष जो बोल रहा है कहीं वो सच तो नहीं निकल जाएगा, यानी कि ये विपक्ष लगातार बोल रहा है कि ये फेक एनकाउंटर। फिलहाल जांच का विषय इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।